लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा, कांग्रेस पार्टी के उपहास का केंद्र बनी। उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा और एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी गरीब महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है, कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है।